मैं भी बहुत गुस्सा करता हूँ, उससे ज्यादा करता हूँ। बाबन इनडायरेक्टली उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा था, तो मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ। हाँ मैं सच में डायरेक्टली मेरा गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अवर अनदर न्यू व्लॉग। और अभी घड़ी में बज रहा है 4:30। रुको, सुबह का 4:30 नहीं है, अभी टाइम हुआ है 4:30 PM, मतलब शाम का 4:30 बज रहा है। तो आज का व्लॉग ऐसे स्टार्ट हो रहा है। सुबह से तो सोच रहे कि व्लॉग स्टार्ट करेंगे, लेकिन हो ही नहीं रहा था। और एक बात फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हो कि बाबन इतना बकबक कर रहा है और घूटू किधर गया। घूटू नहीं है फ्रेंड्स घर पे। और जो बताने की बात है वो है कि घूटू के साथ मेरा लड़ाई हो गया आज दोपहर को, और घूटू ने गुस्सा होकर चला गया उसके मम्मी के घर। और वो जब निकल रहा था तब मैंने उसको बोला कि घूटू व्लॉग नहीं करना है, इतना गुस्सा होकर मम्मी के घर जा रहे हो तो व्लॉग नहीं करना है, शूट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। तो वो क्या बोला फ्रेंड्स पता है? बोला कि नहीं, व्लॉग मुझे नहीं करना है, तुम अकेला ही व्लॉग करना, अकेला ही एडिट करना, और तुम छोड़ना भी अकेला, देखना भी अकेला व्लॉग, सोचो। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो भाई, तुम चले गए चले जाओ, मैं अकेला ही व्लॉग शूट करूँगा, इसलिए मैं आ गया हूँ आज व्लॉग शूट करने के लिए। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, आप लोगों में से कौन कौन मेरे साथ व्लॉग बनाना चाहते हो ये ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि घूटू ना बहुत ही दिमाग दिखा रहा है आजकल, ठीक है। तो आप लोगों में से जो मेरे साथ व्लॉग बनाना चाहते हो जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, उसके साथ ही मैं नेक्स्ट डे से व्लॉग बनाऊँगा। और घूटू सोचता है कि अगर वो व्लॉग में नहीं आएगा तो कोई मुझे प्यार नहीं करेगा, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो। तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना, कॉमेंट करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देना फ्रेंड्स इस वीडियो में, क्योंकि घूटू को मैं एकदम दिखा दूंगा कि उसके बगैर भी सब लोग मुझे प्यार करते हैं। लड्डू लेके एकदम मिठाई का पैकेट लेके पूरा छत पे आ गई हूँ और अभी ये लड्डू का स्वाद ले रही हूँ। घूटू गुस्सा होके चला गया तो वो सोच रहा है कि मैं भी गुस्सा हो रही हूँ या फिर सैड हूँ, लेकिन मुझे सैड होना नहीं है फ्रेंड्स। तो घूटू जब गुस्सा हो ही गए हैं, मैं सोच रही हूँ कि ये पूरा मिठाई का बॉक्स मैं पूरा खा जाऊँ। फिर घूटू जब घर पर आके देखेगा कि पूरा मिठाई का बॉक्स खाली है, तो आप लोग सोचो कि उसका रिएक्शन क्या होने वाला है, क्योंकि घूटू मिठाई ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो एक भी जब नहीं रहेगा उसका रिएक्शन कुछ और ही होने वाला है, हो सके तो मैं ज़रूर कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन वो सब बात को दिमाग से अभी निकलते हैं। अभी पूरा एकदम मिठाई जितना है सभी मिठाई का एकदम मज़ा लेते हैं और आप लोग भी मज़ा लो, हमारा वीडियो देखते रहो। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करने में इतना कंजूसी क्यों, मन खुल के एकदम प्यार करना चाहिए। तो आप जल्दी जल्दी प्यार करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। और छत पे ना बहुत पतंग उड़ रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत दिखाते हैं आप सभी को। एक तरफ किसी का पतंग बुकाटा होके उड़ रहा था और दूसरी तरफ बहुत सारे पतंग उड़ रहा है, और इतना छोटा छोटा लग रहा है ना, देख के लग रहा है कि पंछी उड़ रहा है। चीनी चीनी, तुमको खाने नहीं दिया क्या आज? ओ मम्मी ने तुमको अकेला रख के चला गया। मैंने तो तुमको खाने के लिए दिया चीनी, वो अभी खेल रहा है पतंग की सूता से, देखो। वो अभी मुझे पहचानता ही नहीं है, एकदम अपने दुनिया में खो गया है। और ये फूल देखो फ्रेंड्स, ये फूल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और देखो अभी शाम हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा ऐसे हुआ है। इधर देखो पास वाले घर के छत पे नींबू हुआ है, कितना बड़ा बड़ा, देखो ये वाला देखो, देखा? मन कर रहा है कि मैं ऐसे ही हाथ देके ले लूँ, लेकिन मेरा हाथ जाएगा नहीं उतने दूर तक, अगर जाता तो मैं दो एक तो ऐसे करके ले ही लेता। चीनी हाय कर दो सभी को।
बोलो मम्मा नहीं है घर पे लेकिन हम दोनों बहुत खुश है। मम्मा को बाय बाय कर दे, बोलो बाय बाय मम्मा, हम लोग नया मम्मा लेकर आएंगे। हम लोग नया मम्मा लेकर आएंगे। हाँ चीनी सभी को बोल दो, ठीक है? तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कि कौन हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। और घुटू घर में है नहीं, मैं आज बहुत ही ज़्यादा उड़ रहा हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन एक बात मैं बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ब्लॉग शूट करने में भी मैं बहुत लेट कर दिया आज, क्योंकि घुटू तो दोपहर को ही चला गया था गुस्सा होके। तो तभी तो मैं एक घंटा सोच रहा था कि क्यों लड़ाई किया, क्या लड़ाई किया, क्या क्या क्या, मतलब एक घंटा मैं वही सोचने में चला गया। फिर एक घंटा मैं बहुत लेट खाया, मतलब व्लॉग करे या नहीं करे, क्या करे, सोए थोड़ा, एकदम नींद थोड़ा बहुत दे लेते। लेकिन बाद में जाके मैंने सोचा नहीं बेटा चिल, चीनी चिल बोल दो, देख रहा है, देखो म्याऊ म्याऊ मामा म्याऊ म्याऊ। चीनी तुम मम्मी को खबरदार ये बात एकदम मत बोलना, ठीक है? म्याऊ मतलब वो बोलेगा चीनी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चले जाओ तुम, तुम्हारे सामने ये सब बात करना ठीक नहीं है। तो चीनी को छोड़ दिया, चीनी अभी खेल रहा है अकेला। आप लोग सोचो ये व्लॉग जब घूटू देखेगा पता नहीं मेरा हालत तब क्या होने वाला है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आज का जो लड़ाई हुआ ना उसमें घूटू का कोई गलती, मतलब था घूटू का तो गलती था ही, लेकिन मेरा ज़्यादा करके गलती था। ऐसे होता है, आप लोगों को तो पता ही है कि घूटू थोड़ा थोड़ा बातों पर ही गुस्सा हो जाता है, और वो जब कोई काम करता है मुझे बहुत मज़ा आता है उसको परेशान करने में। तो इसीलिए आज ऐसा ही कुछ हुआ और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि घुटू इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। और आते हैं जो वो मम्मी के घर चला गया है, तो वो मम्मी के घर एक काम के लिए ही जाने वाला था। उसका मम्मी ने फ़ोन करके बोला कि तुम आ जाओ, ये काम करने के लिए तुमको जाना है। फिर इसीलिए घुटू भी मुझे बोला था कि चलो मम्मी के घर चलते हैं। जब गुस्सा हुआ था तब भी मुझे बोला कि चलो तुम मम्मी के घर जाओगे या नहीं, तो मैंने भी गुस्से में बोल दिया कि नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ, तुम चले जाओ। लेकिन सच में घुटू चला गया। तो मैंने सोचा कि ठीक है आज थोड़ा गुस्सा दिखाई देते हैं उसको, कि मैं भी बहुत गुस्सा करता हूँ, उससे ज़्यादा करता हूँ। चीनी चलो सो गए हो कि हो, चलो बहुत देर तक खेल लिया, अभी चलो छत से घर जाते हैं। चलो चीनी चलो अभी घर पे फिर से सो गए हो, चलो चलो घर पे चलते, आओ आ जाओ, दरवाज़ा खोल देते हैं, आ जाओ चलो घर पे, चलो 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 चलो। चीनी उठो उठो उठो, मम्मी के तरफ पूरा एकदम लैत खोर हो गए, चलो घर चलो। हाँ गुड गर्ल, चलो अभी मेरा कोई काम है नहीं, मैं अभी सो जाती हूँ 2 घंटे के लिए एकदम चैन का नींद। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, घुटू जब नहीं रहता है ना अच्छा नहीं लगता है, घुटू के बिना मन नहीं लगता है। तो मैं तो उसको मिस कर रहा हूँ, शायद वो भी मुझे मिस कर रहा है, वो सोच रहा है कि बाबा ने अभी क्या कर रहा है। तो मैं भी वही सोच रहा हूँ कि घुटू क्या कर रहा है अभी, पता नहीं कितने देर में आएगा। A few moments later. इतनी देर तक व्लॉग देख के तो पता चल गया होगा कि मेरे और बाबा के बीच झगड़ा हो गया था, और मैं चली गई थी मम्मी के घर, और अभी मैं आ गई हूँ मम्मी के घर से वापस। और आके मैं सोची कि बाबन आज ब्लॉग शूट नहीं करेंगे, बाबन मेरे लिए सैड है, बाबन ये वो, मैंने तो बहुत कुछ सोच लिया। लेकिन आके मैं जब देखती हूँ बाबन ब्लॉग में क्या क्या बोले हैं, तो मेरा दिमाग एकदम सच में अभी और भी खराब हो चुका है। जितने तक वीडियो मैंने देखा उसमें देखा कि बाबन इनडायरेक्टली उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा था, तो मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ उसके लिए अगर कोई गर्लफ्रेंड हो तो कमेंट करो, मैं खुद उसके साथ उसको रिलेशनशिप करवा दूंगी। और मुझे कुछ नहीं बोलना है, और मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहती, और मेरा दिमाग सच में उल्टा सीधा क्यों बोल, तुम चुप हो जाओ मैं बात कर रही हूँ। तुम्हारे इतने देर तक तुम क्यों किया, मैंने कुछ बोला, कुछ नहीं बोला ना, तुम
पे, ये सब मत बोलो ना ऐसे डायरेक्टली डायरेक्टली क्या सब बोल रहे हो? तुम तो बोला है ब्लॉग में, वही तो बोला है, मैं वही बोल रही हूँ। क्यों क्यों बोल रही हो तुम? नहीं नहीं तुम चुप हो जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। तो फ्रेंड यही बोलना था मुझे, या मैं बोल दिया तो आप लोग कमेंट करो जिसको जिसको बावन के साथ रिलेशनशिप में जाना है, तो मैं करवा दूंगी, मैं बोल रही हूँ ओपन वीडियो में। तो चलो देखो, इतना गुस्सा शरीर के लिए खराब होता है, तो इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए गुटू। अरे देखो तो हटो तो, अरे देखो ना शोर ना ভাল লাগছে না, বললাম তো আমি ব্লগ করব না, যেটুকু বলা দরকার আমি বলে দিয়েছি। কি বলে দিয়েছি? ও তুই তো এসব উল্টো পাল্টা কথা বলছিস, সব কথা একদম শুনতে চায় না। তো फ्रेंड्स मैं फिर से बोल रही हूं, हां मैं सच में डायरेक्टली मेरा गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा हूं। कोई अगर मुझे पसंद करते हो जल्दी जल्दी कमेंट में बताना, लेकिन ये हिम्मत कभी मत दिखाना। घुटू ऐसे बोल रहा है, देखो स्माइल कर रहा है। देखो पहले कमेंट तो करे फिर दिखाती हूँ, पहले कमेंट करे फिर उसको भी दिखाऊंगी तुम्हें भी दिखाऊंगी। नहीं फ्रेंड्स नहीं 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 नहीं, आप लोग करो कमेंट करो, फिर मैं बाबान के तो क्लास में वैसे ऑफ कैमरा लूंगी, और आप लोग जो कमेंट करोगे बावन के लिए उसको मैं ऑन कैमरा क्लास लूंगी। तो चलो आप लोग कमेंट करो और बावन का क्लास मैं लेती हूँ। नहीं फ्रेंड्स अभी गुटू को, अभी गुटू को चुप करवाते हैं फ्रेंड्स, और आज का व्लॉग और कंटिन्यू नहीं करते, नहीं तो गुटू और भी गुस्सा होके क्या क्या बोल देगा मुझे मालूम है नहीं। लेकिन मैं जो जो बात बोला हूँ आप सभी को भी पता है कि मैं मजाक मजाक में बोले हूँ, और मुझे भी वो पता है कि मैं मजाक मजाक में बोला हूँ, लेकिन घुटू को तो वो अभी समझाना पड़ेगा कि मैं मजाक मजाक में ही बोल रहा था। हट, मुझे पता है। और इतना क्यों, इतना गुस्सा करने का कुछ है नहीं। नहीं ठीक है कोई बात नहीं, इसे मत किया करो ठीक है ना, हटो। ठीक है ना, क्यों तो क्या, कौन क्या करना चाहिए बता। नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, तो नया गर्लफ्रेंड आएगा उसको करना चाहिए। नया गर्लफ्रेंड तो मिल नहीं रहा है, तो वही तो मैंने बोला कमेंट करने के लिए, अभी मिल जाएगा, देखो बहुत सारे मिल जाएगा। शॉट तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग और कंटिन्यू नहीं करते, अभी घुटू का गुस्सा थोड़ा कम करना है, घुटू को शांत करना है, और घुटू को बहुत ज़्यादा अभी प्यार करना है, क्योंकि कोई न्यू गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए मुझे, मुझे घुटू ही चाहिए, तुम ही चाहिए बस। जखन बोले थे इस ब्लॉगे तखन मने छिलो ना कथा बोल, तो मजाक मजाक में बोल दिया था, तो अभी मजाक मजाक में मैं तुमको क्या करूँगी, अभी वो देखो। तो मजाक मजाक ठीक है, तो फ्रेंड्स मजाक मजाक में अभी घुटू का मूड थोड़ा चेंज करते हैं, घुटू का गुस्सा शांत करते हैं। तो चलो आज के लिए टाटा बाय बाय।